नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तेलंगाना में 3 दिसंबर को नतीजे आए थे, वहां रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। इसके एक दिन बाद मिजोरम के नतीजे भी आए थे, वहां भी आज शपथ हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कब शपथ होगी, क्योंकि इन तीनों राज्यों में सीएम का फेस ही सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। अब इसी सस्पेंस से पर्दा हटाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने 3-3 पर्यवेक्षकों को भेजा है। सस्पेंस से भरी सियासत, किसे मिलेगी कुर्सी की ताकत? अनुभव पर भरोसा या नई लीडरशिप को मौका? भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा? शुरू हुआ काउंटडाउन, कौन अप कौन डाउन। माननीय श्री शिवराज सिंह जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है। निश्चित अभी हमारे लिए माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी हैं। मुख्यमंत्री की रेस, 48 घंटे में क्लियर होगा फेस। चेहरे पर टूटेगा मौन, पर्यवेक्षक तय करेंगे सीएम कौन। सभी विधायकों से राय ली जाएगी, जिन पे सहमति बनेगी उस राय को केंद्र को अवगत कराया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और जिस पर वो मोहर लगाएंगे उसकी घोषणा की जाएगी। लंबी है दावेदारों की लिस्ट, बीजेपी ने डाला ट्विस्ट। तीन राज्यों के पर्यवेक्षक आए, सीएम वही जो आला कमान को भाए। किस चल इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि किसका होगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जो जवाब अब तक हम आपको इशारों इशारों में दे रहे थे, अब उस पर मोहर लगती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी नई लीडरशिप की तरफ देख रही है, जिसका बड़ा हिंट बीजेपी ने अपनी पर्यवेक्षकों की लिस्ट से दे दिया है। क्योंकि तीन राज्यों में सीएम फेस को लेकर जितने भी कंफ्यूजन है वो सुलझने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों को आए एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अब इसी सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए बीजेपी ने हर राज्य में 3-3 पर्यवेक्षकों को भेजा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधायकों की राय जानने के लिए पर्यवेक्षकों की जो टीम बनाई है उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा शामिल हैं। इस लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर का नाम चौंकाने वाला है। आखिर मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश भेजे जाने का मतलब क्या है? इसी तरह राजस्थान के पर्यवेक्षकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी सांसद सरोज पांडे शामिल हैं। इनमें भी एक नाम चौंकाने वाला है, राजनाथ सिंह का नाम। आखिर राजनाथ सिंह को राजस्थान भेजे जाने का मतलब क्या है? तीसरा है छत्तीसगढ़। यहाँ के लिए पर्यवेक्षकों की जो टीम बनाई गई है उसमें केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और अर्जुन मुंडा हैं। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी समुदाय से आने वाले अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बनाकर छत्तीसगढ़ भेजे जाने के पीछे मकसद क्या है? दरअसल सीएम कौन के सवाल का सस्पेंस इन्हीं तीन सवालों में छिपा हुआ है। इसके लिए इन तीनों को बारी बारी से डिकोड करना होगा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के अलावा दो और नाम हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम मनोहर लाल खट्टर का ही क्यों है, इसकी तीन वजहें हैं। यह पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री तय करने के लिए किसी मुख्यमंत्री को पर्यवेक्षक बनाया गया है।
ये पहली बार है जब बीजेपी संगठन की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को किसी राज्य में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। तीसरी और सबसे अहम वजह मनोहर लाल खट्टर का बैकग्राउंड है। वो संघ के मजे हुए परिपक्व कार्यकर्ता रहे हैं, आज भी संघ में उनकी पैठ काफी ऊपर तक मानी जाती है। एक महीने की मजदूरी के बाद संघ के दिग्गजों से आज भी उनकी सीधी बात होती है। खट्टर खुद भी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए जो प्लान सोच रखा है, क्या उसे धरातल पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खट्टर को दी गई है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि इस बार मध्य प्रदेश की कमान किसी नए चेहरे को दी जाएगी। बीजेपी आला कमान इसके लिए मन पक्का कर चुका है, लेकिन ये भी बात है कि नागपुर से लेकर भोपाल तक संघ के कई बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदला जाए। शिवराज के समर्थन में खड़े नेताओं में से कई तो ऐसे हैं जो संघ की नीतियां तय करते हैं। इनमें भी दो ध्रुव हैं, दोनों ही ध्रुव शिवराज को पसंद करते हैं और शिवराज को पसंद करने की वजह भी है। वो सौम्य और शांत रहते हैं। अभी जबकि उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, फिर भी उनकी तरफ से ऐसा एक भी संकेत नहीं आया जिससे ये आभास हुआ हो कि उनके मन में किसी भी तरह का मलाल है। मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रमाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। संघ को पार्टी और संगठन के प्रति उनकी ये वफादारी भी पसंद है। संघ इसका इशारा कर भी चुका है, लेकिन संघ ने बीजेपी तक अपना मैसेज भेजने के लिए इस बार कौन सा तरीका अपनाया कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि मैसेज पहुंच चुका है। यही वजह है कि बीजेपी संघ को नाराज कर मुख्यमंत्री बदलने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता जिनकी संघ में अच्छी पैठ है, उन्हें मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बना दिया गया ताकि मनोहर लाल खट्टर पार्टी आलाकमान की सोच संघ के आगे ठीक से रख सके, बीजेपी के फैसले पर संघ के बड़े नेताओं को कन्विंस कर सके और शिवराज सिंह चौहान तक भी टॉप लीडरशिप की बात अच्छे से पहुंचा सके। मतलब शिवराज और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच सिर्फ एक फैसले की दूरी है। अगर संघ के नेता मान गए, यानी बीजेपी के फैसले को संघ से हरी झंडी मिल गई, तो पार्टी वहां के लिए मुख्यमंत्री का ऐलान करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। विधायक दल की बैठक होते ही मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन ये भी सच है कि इसमें संघ का दखल रह सकता है। वैसे भी संघ के फैसले बीजेपी की तरफ से की जाने वाली नियुक्तियों पर असर डालते रहे हैं। वहीं मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश भेजने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। दोनों ही संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। यहाँ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के संबंध भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। जब पीएम मोदी और खट्टर संघ के कार्यकर्ता थे, तब दोनों लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने संघ को कन्विंस करने का जिम्मा अगर मनोहर लाल खट्टर को सौंपा है, तो उसके पीछे ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि बीजेपी को भरोसा होगा कि शिवराज को रिप्लेस करने के प्लान में खट्टर अपनी पूरी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। हालांकि ये भी अजब संयोग है कि मनोहर लाल खट्टर आज जिस हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वहां बीजेपी की जड़ शिवराज ने ही मजबूत की थी। एक इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात बताई थी। ध्यान होगा कि हमने पार्टी को अकेले अकेले लड़ने का फैसला किया था। कई लोगों ने कहा था कि आत्मघाती है, सीट नहीं आएगी। मैंने कहा था कि सभी सीटों पर लड़ेंगे तो एक बेस खड़ा होगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी फिर अपने दम पर चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो उस समय वो सुविचारित फैसला था। हम उस समय सीट नहीं जीते, लेकिन सारी सीट हम लड़े और लड़के एक बेस खड़ा हुआ। नहीं तो हम तो थोड़ी सी सीट लड़ते थे, 22 या 24 सीट हम लड़ते थे। बाकी चौटाला साहब के साथ होते थे तो उनकी पार्टी लड़ती थी, या फिर हम और कोई दूसरा पार्टनर हमारे साथ होता था तो उसकी पार्टी लड़ती थी। लेकिन लड़ने के कारण बेस खड़ा हुआ और अंततः भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अकेले सत्ता में आई। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब संगठन के आदेश पर खट्टर
शिवराज का रिप्लेसमेंट खोज सकते हैं, लेकिन संघ और बीजेपी के काम करने का शायद यही तरीका है। वहां संगठन की नजर में सब कार्यकर्ता होते हैं, वहां ओहदा नहीं जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सियासी हलचल बड़ी हुई है। सबकी नजर राजस्थान के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों पर है और ऐसी चर्चा है कि अगले 48 घंटों में सीएम फेस पर मोहर लग सकती है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में नेताओं का चुनाव का एक खास प्लानिंग के तहत किया है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी को मुख्यमंत्री का चुनाव करने में सबसे ज्यादा मुश्किल भी यही आ रही है। जो हमारा पूरा संपूर्ण भाजपा परिवार राजस्थान शीर्ष नेतृत्व ये विराट जो परिवार है सबकी सहमति से आपस में चर्चा होके ये तय होना ही हमें पता है, और जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है, परस्पर सहयोग है, जो आता है उसके साथ ही हमें जुड़ जाना है, क्योंकि परिवार है ये संगठित और उसी आधार पर यहाँ हमारे राजस्थान में भी तय होगा। बीजेपी को है, वसुंधरा जी को है, किसका समर्थन किसको? अरे यार वसुंधरा जी सीएम बने आप चाहे, पार्टी नेतृत्व तो तय करेगी, हमारे पास क्या है जो हम बताएं। राजस्थान में सीएम फेस का चुनाव बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद जयपुर में शक्ति प्रदर्शन हो या फिर गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 80 मिनट की मुलाकात, मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे डटी हुई हैं। खबर ये भी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए वसुंधरा राजे पूरी तैयारी के साथ गई थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने हर एक लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा जेपी नड्डा को सौंपा। वसुंधरा राजे ने ये भी बताया कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत और हार के क्या कारण रहे। वसुंधरा राजे ने उन उम्मीदवारों की लिस्ट भी जेपी नड्डा को दी जिनके टिकट के लिए किसी नेता ने पैरवी की थी। वसुंधरा राजे ने बागी नेताओं को लेकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों का भी जवाब दिया, यानी वसुंधरा राजे ने सीएम पद की कुर्सी के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया है। ऐसे में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया जाना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि चर्चा है बीजेपी नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। ऐसे में क्या राजनाथ सिंह की भूमिका वसुंधरा राजे को मनाने की होगी? अगर बीजेपी की यही सोच है तो फिर वसुंधरा राजे के लिए पार्टी की प्लानिंग क्या होगी? एक सवाल ये भी है कि बीजेपी पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह को भेजकर क्या संदेश देना चाहती है? राजस्थान के लिए बीजेपी ने किस तरह की रणनीति बनाई है, इस सवाल का जवाब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में ही छिपा है, क्योंकि इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी नेतृत्व वसुंधरा राजे के चेहरे से इतर भविष्य की ओर देख रहा है, उन चेहरों पर विचार कर रहा है जो आने वाले वक्त में राजस्थान की सत्ता में बीजेपी को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इनमें अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत सरीखे नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन बीजेपी वसुंधरा राजे को भी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में राजनाथ सिंह की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। राजनाथ सिंह बहुत हैवी वेट हैं, उनकी एक रेस्पेक्ट है, वो राजस्थान में निश्चित रूप से सबसे बातचीत करके ये देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या है जो बीजेपी की दीर्घकालिक नीतियों के लिए राजस्थान में अच्छा होगा। वसुंधरा जी हैं, बाकी लोग हैं जो सांसद उतारे गए हैं, तो वो सबसे करेंगे और उसका यही है कि राजनाथ सिंह उनकी भी भावना को समझें और उनको केंद्रीय नेतृत्व की भावना को भी बताएं। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। राजनाथ सिंह अटल आडवाणी युग के नेता हैं और उन नेताओं में शुमार हैं जो मौजूदा वक्त में भी केंद्रीय राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं वसुंधरा राजे भी अटल आडवाणी युग की नेता मानी जाती हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के बीच काफी गहरे रिश्ते हैं। 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे दोनों मंत्री बने थे। राजनाथ सिंह साल 2000 से 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे, जबकि 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। 2013 में राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसी साल हुए राजस्थान चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो वसुंधरा राजे को दोबारा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। जाहिर तौर पर
अभी सीएम फेस का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से बीजेपी ने काफी हद तक अपनी रणनीति साफ कर दी है, जिसमें राजनाथ सिंह की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पर्यवेक्षक सीएम फेस के साथ साथ राजस्थान में बगावत पर भी पूर्ण विराम लगा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी नई लीडरशिप के दम पर 2024 को भी साधना चाहती है, जिसका सबसे पहला पड़ाव ही बगावत को खत्म करना है। तो देखिए, राजस्थान की तरह ही छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने काफी सोच समझकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले अर्जुन मुंडा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अर्जुन मुंडा का नाम चौंकाने वाला है, क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं और मेरी राजनीतिक यात्रा 30 साल की हो गई है और 30 वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3-3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में MOS, और पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूं, आगे भी जो आदेश होगा पालन। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 3 दिसंबर को नतीजे आए थे, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से अपने अपने समर्थकों के जरिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस रेस में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। इस बात की संभावना ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हो। इसकी वजह भी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को आदिवासी समुदाय का एक मुश्त वोट मिला है। जाहिर तौर पर बीजेपी आदिवासी समाज को नाराज करना नहीं चाहेगी। यही बात छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ के लिए आदिवासियों ने जिस तरह से वहाँ वोट दिया है, जो सफलता मिली है, सही बात है कि वहाँ कई चेहरे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कि बीजेपी वो कौन सा चेहरा होगा जो जनता का ये विश्वास अर्जित कर सके कि वो जनहितकारी नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है और बीजेपी एक पार्टी के रूप में जिस तरह सफलता पा रही है, वो उसका वो जो काफिला है वो आगे बढ़ता रहे। वहीं आदिवासी समुदाय से आने वाले राम विचार नेता रेणुका सिंह और अरुण साव जैसे नेताओं का नाम पहले से ही चर्चा में है। हालांकि राजनीति में आखिरी समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी छत्तीसगढ़ का सीएम आदिवासी समाज से होगा या फिर गैर आदिवासी चेहरा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि फैसला कुछ भी हो, अर्जुन मुंडा की भूमिका बड़ी होने वाली है, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाकर छत्तीसगढ़ भेजा गया है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। अगर बीजेपी आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का फैसला करती है तो किसी एक चेहरे पर सहमति बनाने में अर्जुन मुंडा मददगार हो सकते हैं। अगर बीजेपी गैर आदिवासी चेहरों को सीएम बनाती है तो ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज से आने वाले अर्जुन मुंडा हालात को संभाल सकते हैं और आदिवासी नेताओं को समझा सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा के जरिए छत्तीसगढ़ से निकले संदेश का फायदा 2024 के आखिर में होने वाले झारखंड चुनाव में भी बीजेपी उठा